Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करेंट अफेयर्स 6 दिसंबर के. देखिए ये वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाया करती है. अगर आपको कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं आप इस वीडियो को ईजिली रेफर कर सकते हैं. एंड अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो ईजिली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल ऐप योनो के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये योनो क्या है. तो क्वेश्चन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये डिजिटल ऐप है योनो. एंड देखिए ये बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक ही ऐप के माध्यम से दोनों मतलब लाइफस्टाइल और आपकी बैंकिंग को उपलब्ध बनाता है. ये 2017 में लॉन्च हुआ था. तो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं. तो इनका नाम है स्वप्ना वर्मन. ऑप्शन हो जाते हैं बी. देखिए स्वप्ना वर्मन ने एशियन गेम्स जो हुई थी अभी 2018 की इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, वहाँ उन्होंने हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडलिस्ट ये रही थी. तो इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने योनो डिजिटल ऐप के लिए. ऑप्शन हो जाती है बी. ध्यान रखिएगा योनो डिजिटल ऐप जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोपा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि कोपा ट्रॉफी है क्या. देखिए ये जो ट्रॉफी है ना, ये 21 वर्ष से जितने भी कम उम्र के दिवंगत युवा होते हैं जो कि फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, मतलब फुटबॉल में इनकी बहुत अच्छी प्रदर्शन होती है और ये 21 वर्ष से अगर कम उम्र के हैं तो इन्हें इस ट्रॉफी से नवाजा जाता है. इसका नाम कोपा ट्रॉफी है. एंड इसका नाम कोपा ट्रॉफी क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए आपकी जो बैलॉन डी ओर की जो विजेता रहे हैं रेमंड कोपा, इनके नाम पर ये कोपा ट्रॉफी को रखा गया है, इस पुरस्कार का नाम को. और ये बता दूं मैं कि अब हम बात कर लेते हैं कि इन्हें किसे सम्मानित किया गया है. तो इनका नाम है केलियन एम्बापे. ऑप्शन हो जाती है डी. देखिए ये फ्रांस के फुटबॉलर है और ये 3 दिसंबर को जो पेरिस में बैलॉन डी ओर समारोह में इन्हें कोपा ट्रॉफी का विजेता नामित किया गया था. तो ये सारी चीज़ें थी. तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, डी केलियन एम्बापे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है. देखिए भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रही है और ये हो रहा है आगरा में. ऑप्शन हो जाती है ए आगरा. देखिए ये 3 दिसंबर से शुरू हुई है, 6 दिसंबर तक चलने वाली है, मतलब आज इसका आखिरी दिन है. ये सम्मेलन जो है एक संरक्षण लाभ निरपेक्ष संस्था वाइल्ड लाइफ जो है उसके द्वारा ये आयोजित की जा रही है. और इसका लक्ष्य क्या है ना कि भालू और जितने भी जंगली जानवर हैं उनकी देखभाल के जो सिद्धांत है, मतलब अभ्यारण्यों के और बचाव केंद्रों के साथ उसे साझा करना है. समझ आ गई चीज़ें. तो ये कहाँ हो रही है, आगरा में. ऑप्शन हो जाती है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे याद रख बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना दिवस हमने कब मनाया. तो देखिए हमारे ऑप्शन हो जाती है बी 4 दिसंबर. 4 दिसंबर को हमने भारतीय नौसेना दिवस सेलिब्रेट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया. विश्व मृदा दिवस हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है, कल मतलब 5 दिसंबर को. इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी स्वस्थ मिट्टी है ना उनके उपयोग पर हमें ध्यान केंद्रित करना है और मिट्टी के जो भी संसाधन है उसके सतत प्रबंधन के लिए उसके महत्व को दर्शाना है. तो ये उद्देश्य से हम विश्व मृदा दिवस को मनाते हैं और ये हमने मनाया है 5 दिसंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जनजातीय सर्किट का विकास पेरेन कोहिमा वोखा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया. जनजातीय सर्किट का विकास जो है ये आप ध्यान रखिए ये नागालैंड में किया गया है. ऑप्शन हो जाते हैं ए. और ये जो है ना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत आती है और इसे राज्य में लागू होने वाली ये पहली परियोजना है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आ रही है. दूसरी चीज़ ये इस राज्य में मतलब लागू होने वाली पहली परियोजना है इस तरह की. तो ये नागालैंड है, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए. और इसमें होगा क्या, इसमें जितनी भी जनजातीय पर्यटक गांव है, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, हेलीपैड, इन सारी चीज़ें, इन सारी सुविधाओं को इसमें विकसित की जाएगी इस परियोजना के तहत. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं,
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने अपना न्यू मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स जो है उन्होंने अपने नए CEO जो है वो जॉन रिजॉन को नियुक्त किया है। ऑप्शन हो जाते हैं ए, और ये मार्च 2019 में अपना कार्यभार संभालेंगे। और आप ये ध्यान रख सकते हो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स के जो हेडक्वार्टर है वो है मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला ने संयुक्त रूप से किस देश में गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला, अब इन दोनों ने मिलकर गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है, और ये इन्होंने किया अबू धाबी में 4 दिसंबर को। देखिए, ये उद्घाटन एक तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी और शेख जायद के जन्म के शताब्दी समारोह का जश्न मनाने के लिए किया गया। अब शेख जायद कौन है? देखिए, शेख जायद आधुनिक संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ना, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री जो है शेख अब्दुल्ला यहाँ शामिल हुए थे। तो इन्होंने शेख जायद के जन्म के शताब्दी समारोह को जश्न मनाते हुए इसका उद्घाटन किया है, और शेख जायद जो है आधुनिक संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक है। ऑप्शन क्या हो गए? ए, अबू धाबी में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रभाव शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो जल प्रभाव शिखर सम्मेलन जो है आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई, और ये 5 दिसंबर से, मतलब कल ये आयोजित हुई थी, 7 दिसंबर तक ये चलने वाली है। और देखिए, ये जो शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय है, मतलब ये जो सम्मेलन है आपकी, ये है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र, इन तीनों के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा की गई है। और ये एक वार्षिक समारोह है, हर साल होती है, जहाँ हितधारक देश में सबसे बड़ी जल संबंधी जितने भी समस्याएं आती है उसके लिए मॉडल बनाया जाता है, ताकि उनके समाधानों के विकास पर चर्चा की जा सके। तो चीज़ें समझ आ गई कि जल प्रभाव शिखर सम्मेलन में होता क्या है, किस बातों पर चर्चा होती है, और ये की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया है? पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड पीठा। पीठा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए, ये उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। हमारा ऑप्शन है ये उड़ीसा, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना, श्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए है। अब देखिए, इसका एम क्या है? विभिन्न सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना। जितने भी गवर्नमेंट्स काम जो होते हैं, सरकारी योजनाएं जो बनती हैं, तो उसमें एक तरह का पारदर्शिता लाना, कुछ भी गलत नहीं होना, सारी चीज़ें आपके समक्ष रहेगी पूरे क्लियर वे में, ठीक है। तो ये इनका एक उद्देश्य है। दूसरा, उनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, इन दो उद्देश्यों को लेकर ये पीठा को लॉन्च किया गया है, और ये किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। देखिए, उड़ीसा की जो प्रमुख अमा गाँव अमा विकास है ना, ये इसकी उपयोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ एंड BCE द्वारा किस सुविधा को लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये सुविधा का नाम है EATM। ऑप्शन है ए, EATM। अब ये करेगा क्या? EATM के तहत क्या होगा कि घरेलू ब्रोकरेज इकाई के जो ग्राहक शेयर होते हैं उसे बेचने के 30 मिनट के भीतर ही भुगतान प्राप्त कर पाएंगे आप। ये चीज़ें हो गई, और इसके कुछ नियम है, जैसे पर डे 50,000 ग्राहकों की सीमा होगी, और इसमें सूचीबद्ध 600 शेयरों पर लागू होगी। तो ये सारी चीज़ें, इसके कुछ नियम है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर EATM की बात आती है तो ध्यान ये रखिएगा कि ICICI सिक्योरिटीज़ और BSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2018 को ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबेल पुल का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबेल पुल का उद्घाटन होगा, और ये 25 दिसंबर को होगा, और ये किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाता है ए, श्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिए, अब इसमें बात ये आ रही है कि बोगीबेल पुल कहाँ बन रही है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो देखिए, इसमें कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे ये जो है ना, असम के त्रिभुगढ़ और को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। और देखिए, इसका निर्माण जो है ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। ये 4.94 किलोमीटर लंबा और ब्रह्मपुत्र के जल स्तर से 32 मीटर ऊपर है। तो याद रखिएगा, जो बोगीबेल पुल है ये असम के त्रिभुगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है।
समझ आ गई चीजें। इसका उद्घाटन होगा 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ मुद्रा स्वैप पर समझौता किया है? ये जो मुद्रा स्वैप पर समझौता किया है ना भारत में, ये किया है संयुक्त अरब अमीरात से। ऑप्शन हो जाते हैं डी। इसके साथ ही साथ देखिए, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से दो समझौते किए हैं, दो मेमोरेंडम पे इन्होंने साइन किया है। तो देखिए, पहला तो आपकी होगी मुद्रा स्वैप। इसमें क्या होगा कि एक ऐसा समझौता है जो पूर्व निर्धारित जितने भी मुद्रा विनिमय दर है ना, उस पे जो आयात और निर्यात व्यापार के लिए जो भुगतान होती है और अपनी मुद्रा में व्यापार की अनुमति देता है। तो ये उनकी होगी मुद्रा स्वैप समझौता। और दूसरा उन्होंने क्या किया है कि दोनों देशों को अफ्रीका में विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए ये सक्षम करेगा। तो ये दो चीज़ें इनकी समझौते हुई है, तो ये हुई है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ब्लू वर्ड्स आए नामक एक पुस्तक किनके द्वारा जारी की गई है? तो इस पुस्तक का क्या नाम है? ब्लू वर्ड्स आए। और ये पुस्तक जारी की गई है हमारे नेवी के चीफ सुनील लांबा जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाते हैं बी, सुनील लांबा। देखिए, FKCDOS वाले जो बच्चे हैं ना, वो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दे सकते हो कि सुनील लांबा जी जो है नेवी के चीफ हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि एयर फोर्स के जो आपके अभी वर्तमान में चीफ है वो कौन है, या नेवी के जो वर्तमान चीफ है वो कौन है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ऑप्शन क्या हो गए? बी, सुनील लांबा। देखिए, अब इस बुक पे आते हैं, ब्लू वर्ड्स हाई। इस बुक में क्या है कि 2001 से 2010 तक के जो आपकी भारतीय नौसेना है ना, उसके इतिहास के बारे में इस बुक में पूरा वर्णन है। ये भारतीय नौसेना दिवस जो हमने 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया, मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है प्रीवियसली, तो तभी इसे लॉन्च की गई सुनील लांबा जी के द्वारा। अब बात आती है कि इस बुक को लिखा कौन, किसने है? तो देखिए, जो वाइस एडमिरल रह चुके हैं 2011 में, ये रिटायर्ड हो गए थे, इनका नाम है अनूप सिंह। इन्होंने इस ब्लू वर्ड्स आए को लिखा है, पर ध्यान ये रखना है जारी किसके द्वारा किया गया है? नेवी के चीफ सुनील लांबा जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाते हैं बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिल्ली डेयर डेविल्स जो अभी तक थी, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है दिल्ली कैपिटल। ऑप्शन क्या हो गए? ए, दिल्ली कैपिटल। और इसके अभी कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर, और ऑस्ट्रेलिया के जो रिकी पॉन्टिंग है ना, ये दिल्ली कैपिटल्स के कोच है। चीज़ें क्लियर हो गई सारी? 4 दिसंबर को इसका नाम बदल दिया गया है, दिल्ली डेयर डेविल्स से दिल्ली कैपिटल कर दिया गया है। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? वो कौन सा देश है जो 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला है? तो ये देश है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट क्या है? हंगरी की राजधानी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। अब यहाँ बात आ रही है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में तो बुडापेस्ट करने वाला है। क्वेश्चन क्लियर हो गए? अब देखिए, बुडापेस्ट जो है ना, उन्होंने दो बार इंडियन आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उसकी इंडोर चैंपियनशिप और यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। और अगर मैं बात कर लूँ कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है आपकी, वो 2019 में दोहा में होने वाली है, 2021 में ये होगी सनस्क्रीन यूजिन ओरेगन में। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है, कल मतलब 5 दिसंबर को। अब देखिए, 1985 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, मतलब तब से ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस को मनाते आ रहे हैं। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? जितने भी स्थानीय स्वयंसेवक समुदाय और जो संगठन है ना, उनके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देने का ये एक अवसर है, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया करते हैं, और ये 5 दिसंबर को हमने मनाया है। ऑप्शन हो जाते हैं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री, मध्य प्रदेश के अमरकंटक और झारखंड में पारसनाथ को किस योजना के तहत शामिल किया गया है?
ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री पड़ गए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक और झारखंड में पारसनाथ। इन तीनों को किस योजना के तहत शामिल किया गया है? तो इन तीनों को तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि अभियान, जिसे हम प्रसाद कह सकते हैं इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में आएगा तो ये प्रसाद कहलाएगा। ध्यान ये रखना है, प्रसाद के अंतर्गत आपकी ये तीनों चीज़ें शामिल हो रही हैं। अब इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, देश में जितने भी तीर्थ यात्रा है या जो हमारे विरासत स्थल है, तीर्थ यात्रा जहाँ हम तीर्थ करने जा रहे हैं और हमारे जो इतिहास के जितने भी विरासत है ना, वहाँ ये जो स्थल है उन्हें विकसित करने की ये एक केंद्रीय योजना है प्रसाद, और ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, ऑप्शन हो गए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसने जयपुर में शॉर्ट गन स्पर्धा में 62वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता महिला स्कीट खिताब जीता है? तो देखिए, इनका नाम है महेश्वरी चौहान। ऑप्शन हो जाती है बी, महेश्वरी चौहान ने महिला स्कीट खिताब को जीता, और ये 3 दिसंबर को इन्होंने इस खिताब को जीता था। ये राजस्थान की रहने वाली है और इन्होंने गनीमत सेखों को हराया है। ये चीज़ें कुछ थी जो आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करते हैं। वायु अभियान सीनियो मैत्री 18 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो देखिए, सीनियो जो आपकी ये जो अभ्यास है, एयर, पहली बात तो ये हो गई कि ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है, मतलब ये वायु अभ्यास है, और ये भारत और आपकी जापान के बीच में शुरू हुई है। ऑप्शन है बी, जापान। याद रखिएगा, ये जापान के बीच में शुरू हुई है, हमारी इंडियन एयर फोर्स और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन दोनों ने 3 दिसंबर को वायु सेना स्टेशन आगरा में इसे शुरू किया है। आगरा के जो एयरफोर्स स्टेशन है ना, यहाँ इसे शुरू किया गया है। किसके बीच? इंडिया और जापान के बीच में। एफकेट सीडीएस वाले बच्चे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज तो नॉर्मली एक एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ऑप्शन है बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। किस सरकार ने मेट्रो और बसों पर यात्रा की आसानी के लिए वन कार्ड लॉन्च किया? अब देखिए, मेट्रो चाहो या बस हो, इन दोनों में यात्रा जो आप कर रहे हैं वो और ही सुविधाजनक हो पाए, उसके लिए एक कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन। ठीक है, वन नाम है इस कार्ड का, और ये की गई है नई दिल्ली की सरकार के द्वारा। ठीक है, अब बात इसमें आती है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने भी सार्वजनिक परिवहन है उस पर आसान यात्रा करने के लिए वन दिल्ली वन राइड की एक टैग लाइन के साथ, इस कार्ड का नाम क्या है? वन है। इनको एक टैगलाइन दिया गया है कि एक दिल्ली एक राइड, वन दिल्ली वन राइड की एक टैगलाइन के साथ वन नामक एक आम गतिशीलता कार्ड लॉन्च किया। अब देखिए, दिल्ली परिवहन, हाँ, दिल्ली की जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत और दिल्ली मेट्रो के जो प्रबंध निदेशक हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और इसमें 10% छूट पर कार्ड के साथ मेट्रो और बस सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। मतलब ये आपको 10% की छूट देगा, आप आराम से मेट्रो एंड बस की जो सुविधा है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई वन कार्ड के द्वारा, ये की गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के में आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल जी, और यहाँ चिल्ला नेशनल पार्क है। ये कुछ चीज़ें थी, आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। पहला 2 दिवसीय भारतीय एशियान इनोटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? तो देखिए, ये संपन्न हो गई नई दिल्ली में। तो यहाँ बस ये ध्यान रख लीजिए कि भारत और एशियान इनोटेक शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ऑप्शन हो जाती है ए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। एंड हाँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप हमारे जस्ट वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ जाके इस वीडियो को इजिली प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।